बरेली में रविवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने नूपुर शर्मा की मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके लिए प्रशासन की ओर से 1500 लोगों को परमिशन दी थी। लेकिन इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में हुए प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसको लेकर थाना कोतवाली पुलिस ने सशर्त अनुमति का उल्लंघन करने पर आईएमसी के आयोजकों फरहत खान और मखदूम बेग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर धारा 188 के तहत FIR दर्ज की है। दरअसल बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मौलाना तौकीर रजा खान के आवाहन पर सोमवार को इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोर शोर से उठाई गई थी। इस प्रदर्शन के खिलाफ प्रशासन ने आयोजक फरहत खान और मखदूम बेग को 1500 लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने की सशर्त अनुमति दी थी, लेकिन प्रदर्शन में करीब 25,000 लोग शामिल हुए, जिसके बाद सशर्त अनुमति का उल्लंघन करने पर सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर थाना कोतवाली पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये जो कार्यक्रम किया गया था, इसमें जो अनुमति थी उससे अधिक लोग आए थे, तो इस वजह से मजिस्ट्रेट की द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर इसमें धारा 144 का जो उल्लंघन होता है वो धारा 188 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जिसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है? थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा आयोजक जो है उनके विरुद्ध किया गया है। कौन सी पार्टी का, किन लोगों का? इसमें जो आयोजक ने जो अनुमति मांगी थी शायद दो लोग थे जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो उनके ऊपर किया गया है।